हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक एमकेएस में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके कस्टमाइज लेबल के अंदर जो बारकोड होता है, बारकोड में आप सीरियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपका जो बारकोड है वो उसमें सीरियल नंबर से निकले, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके, तो उसकी सेटिंग जो है आप किस कैसे कर सकते हैं ताकि हर लेबल में जो है आपका अलग अलग बारकोड जो है सीरियल नंबर का प्रिंट हो गया है। तो आज मैं इस वीडियो में जो है ये पूरी टॉपिक कवर करने वाला हूँ कि आप जो अपने बारकोड में सीरियल नंबर किस तरह से डाल सकते हैं, सीरियलाइजेशन जो है कैसे कर सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की मोर टेक्नोलॉजिकल वीडियोस के लिए। चलिए आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है अपने लेबल का साइज ले लेंगे, जो भी हमारा एक लेबल का साइज है। उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट ले लेता हूँ। मैं अपने चैनल का ही नाम लिख देता हूँ। ठीक है, इसको अब मैं थोड़ा यहाँ से इसको बड़ा कर देता हूँ। मैं एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब फिर यहाँ से हम एक बार कोड ले लेते हैं, 128 का बार कोड। इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब इसके फॉन्ट का साइज जो है काफ़ी छोटा है, तो इसके साइज को थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ। इसको मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, बड़ा हो गया। अब हम इसको सीरियलाइजेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसके बार कोड के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे तो आपका प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आएगा। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक, थोड़ा सिस्टम मेरा जो है स्लो चल रहा है, कुछ दिक्कत भी शायद इसके अंदर आ चुकी है। तो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ डाटा सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। डाटा सोर्स यहाँ से आप जाएंगे कहाँ पर, ट्रांसफॉर्म्स में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म्स के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सीरियलाइजेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको जो डाटा है वो कैसा चाहिए, मतलब जो भी आप डिजिट डाल रहे हैं उससे आपको पीछे का डाटा चाहिए। मतलब कि जैसे अगर आपने 10 नंबर डाल रखा है तो आप प्रिंटिंग में आपका 10 9 8 7 इस तरह से आपको चाहिए, या फिर आपका डाटा इंक्रीज होना चाहिए जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो हमें जो है इसमें इंक्रीमेंट करके ले लेना है। तो हम मेरा जो डाटा है वो इंक्रीज़ होगा, तो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करके यहाँ पे इसके ऊपर हम टैप कर देंगे। बस हमें अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए तो इंक्रीमेंट 1, मतलब कि हमारा जो डाटा का सीरियल नंबर बढ़ेगा वो 1 बाई 1 बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इसके बाद हम इसके साथ ओके कर देंगे और सीधा इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है। अब इसके मैं डाटा का जो सीरियल नंबर है वो मैं पहले चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियरली समझ में आए। 0 0 1। ठीक है, मैं इसको यहाँ से ओके कर। अब मान लीजिए अगर मैं अपने प्रिंटर पे इसकी अगर 5 प्रिंट देता हूँ तो 5 प्रिंट हमारा बार कोड में किस तरह से दिखाई देगा। थोड़ा मैं इसको साइज को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो हम जो प्रिंट देंगे वो हम उसमें हमारा जो ये नंबर से है वो किस तरह से कैसे दिखाई देगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद हम यहाँ पे सीधा प्रिंट के ऊपर जाएंगे। प्रिंट में जाने के बाद मैं यहाँ से अगर 5 कमांड प्रिंट करता हूँ तो इसका हमारा प्रिंट में प्रीव्यू देख लेते हैं, प्रिंट जो हमारा किस तरह से है। तो उसके लिए मैं प्रिंट में प्रिंट करके तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ से 5 डाटा को है, 5 लेबल जो है प्रिंट करने के लिए कमांड दिया, तो हमारे एक बार कोड के अंदर जो सीरियल नंबर 001 आ गया। अब मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे 002 आ गया, और फिर मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ।
मतलब हमारा सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो सारा टेक्स्ट हमारा स्टैटिक है, और हमारे बार कोड का जो सीरियल नंबर है वो चेंज होने लग गया है। इसको अगर आपको प्रिंटर पे प्रिंट देना है तो वो आप कैसे दे सकते हैं? आप यहाँ फाइल में आएंगे, फाइल में आने के बाद प्रिंट पे आएंगे, और आपका जो भी प्रिंटर है जैसे कि ये TAC का प्रिंटर है इसको आप सिलेक्ट करने देंगे, और यहाँ से आप 5 कमांड देना चाहते हैं, सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 तक की प्रिंटिंग होगी, यहाँ पे ये सिलेक्ट करके और आप सीधा प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका जो है 1 से 5 तक का कमांड वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे सब कुछ। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इस तरह की एक और इंटरेस्टिंग और टेक्नोलॉजिकल वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।